देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल और पुट ऑप्शन है क्या, कॉल और पुट को कोई भी ट्रेडर कब बाय करता है, कब कॉल को बाय करता है, कब पुट को बाय करता है। देखिए सिंपल एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे, एकदम सिंपल भाषा में हम समझाने की कोशिश करें। जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना ज़्यादा आपको कठिनाई होगा कॉल और पुट को समझने में। देखिए हम HDFC बैंक के एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। HDFC बैंक का यहाँ पर जो प्राइस है 1387 रुपये है, तो जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर में माइंडसेट होता है, किसी को लगता है कि HDFC बैंक जो अगले एक महीने में 1387 रुपये से गिर करके ये 1200 रुपया जाएगा, तो वो क्या करेगा, HDFC बैंक को सेल करेगा। देखिए ट्रेडिंग में यही होता है, इसको हम डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। इसी को फ्यूचर में हम एक लॉट यहाँ पर सेल करेंगे HDFC बैंक का, जो भी लॉट साइज होगा। देखिए HDFC बैंक किसी को लग रहा है 1200 रुपया आएगा, तो एक ट्रेडर जो कि इस पे बेयरिश है, बेयरिश होता है कि आप यहाँ से उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक नीचे ही गिरेगा, और बुलिश जिसको लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा और ये 1500 रुपये यहाँ से जाएगा। एक को लग रहा है जो बुलिश व्यू रखता है इस पे 1500 जाएगा, दूसरा जिसको लगता है कि ये नीचे गिरेगा और एकदम श्योर है कि यहाँ से नीचे ही गिरेगा, और जो बुलिश है वो भी एकदम श्योर है कि ऊपर ही जाएगा HDFC बैंक। तो दोनों को लगता है कि यहाँ से 1500 जाएगा, तो यहाँ से 113 रुपये का प्रॉफिट उससे छूट जाएगा अगर यहाँ से वो बाय नहीं करता इस स्टॉक को। और जो नीचे जाने की कोशिश कर, मतलब जिनका व्यू बेयरिश है, उनका 187 रुपये का प्रॉफिट छूट जाएगा अगर ये 1200 रुपये स्टॉक गिर के चला जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों के पास है मनी का दिक्कत है, दोनों के पास मनी का दिक्कत है। जिनका व्यू बेयरिश है, जिनका व्यू बुलिश है, वो चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी इसमें बाय करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बाय करें, ताकि क्योंकि दोनों श्योर है, 1500 जिसका टारगेट है वो भी श्योर है, बुलिश जो है मतलब जो बुल है, और जो बियर है वो भी एकदम श्योर है कि 1200 आएगा, 187 रुपये का प्रॉफिट छूट जाएगा, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर बाय करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, दोनों के पास मनी का दिक्कत है, तो वो यहाँ से इसका कॉल और पुट बाय कर लेता है। जो बुलिश है वो कॉल बाय कर लेता है, जो बियरिश है वो पुट बाय कर लेता है। क्यों बाय कर लेता है, क्योंकि कॉल और पुट जो है आपको ये स्टॉक्स आपने बाय नहीं किया, लेकिन इसी स्टॉक का आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। इसी स्टॉक का क्या बाय कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। देखिए यहाँ पर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, कैसे आया, यहाँ पर हम उसके कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। सीधा सिंपल समझिए, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, और इसके कितने स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, 550 स्टॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया कि आपको 550 स्टॉक्स यहां पर आप सेल कर रहे हैं। जो पुट बायर है 550 स्टॉक्स आप यहां पर सेल कर रहे हैं, तो 550 स्टॉक सेल कर रहे हैं 1387 रुपये पे, तो यहां से स्टॉक जैसे जैसे गिरेगा आपके पुट का प्राइस बढ़ेगा, जैसे आपने पुट बाय कर लिया, तो पुट जो आप बाय करेंगे उसमें एक क्वांटिटी नहीं होगा जो पुट बाय करेंगे आप, तो वो लॉट साइज में होगा, चाहे आप किसी इंडेक्स का बाय करें या स्टॉक्स का बाय करें। तो पुट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको लग रहा है स्टॉक नीचे जाएगा, तो आप नीचे जाने का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए। अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं गया तो फिर आपको उसमें लॉस होगा। तो पुट बाय करने का सिंपल सा मतलब एग्जांपल है कि यहाँ से तेजी के साथ मार्केट गिरना चाहिए, मतलब HDFC बैंक गिरना चाहिए। जितना अधिक गिरेगा आपको उतना रुपये का प्रॉफिट होगा पुट में। अब कॉल जो बाय किया वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया 550 स्टॉक्स का, और 550 उसमें क्वांटिटी होगा उनके कॉल में, तो जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा उनको प्रॉफिट होगा, चाहे वो 1500 रुपये से ऊपर चला जाए या स्टॉक, चाहे जितना चला जाए, जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। उसी तरह से जो पुट बाय किए हैं वो 1200 से नीचे भी चला जाए, जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट होगा उनको। तो ये सिंपल कॉल और पुट है कि कब कॉल बाय करते हैं, कब पुट बाय करते हैं। अब देखिए कॉल और पुट क्या हो गया, तो कॉल जो होता है वो एक राइट देता है, जो कॉल बाय करते हैं उनको एक राइट देता है उस स्टॉक को खरीदने का, उस स्टॉक को बाय करने का। वही जो पुट बायर है उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एक राइट मिलता है, एक अधिकार मिलता है उस स्टॉक को सेल करने का। तो कॉल मतलब क्या हो गया,
आपको प्रॉफिट तब होगा जब वो स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने उस स्टॉक को मतलब आप उस स्टॉक को जिस समय आपने कॉल बाय किया उसी प्राइस पर उस स्टॉक खरीदने का राइट ले लिया है। अब वो स्टॉक वहां से ऊपर जाएगा तो आपको कॉल में प्रॉफिट होगा। वहीं पुट मतलब क्या, आपने उस स्टॉक को सेल किया है या आपने बैंक निफ्टी का पुट लिया है तो बैंक निफ्टी को सेल किया है तो वहां से बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, वो स्टॉक नीचे जाएगा, आपको पुट में प्रॉफिट होगा, क्योंकि पुट मतलब आपने उस स्टॉक को उस इंडेक्स को सेल कर दिया है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसमें टाइम वैल्यू होता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा सिर्फ नीचे जाने या ऊपर जाने से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, साथ साथ कितना टाइम लेता है वो ऊपर या नीचे जाने में उसके अनुसार आपको कॉल और पुट में प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो कॉल और पुट आपने बाय किया उसमें एक टाइम होता, उसी टाइम में जितना ऊपर आपको जाएगा उतना आपको उस अनुसार से प्रॉफिट होगा। तो देख लीजिए प्रेजेंट प्राइस ऑन ए पार्टिकुलर डेट, एक जो पार्टिकुलर डेट होगा, एक जो समय होगा, उस समय में कितना ऊपर या नीचे जाता है, उस समय में जितना ऊपर या नीचे जाएगा उसके अनुसार आपको उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये होता है कॉल और पुट ऑप्शन बाय के लिए। देखिए कॉल और पुट बाय करते हैं तो उसमें आपका जो मोमेंटम होता है स्टॉक्स का, इंडेक्स का, मतलब अंडरलाइन का, उसके साथ साथ टाइम काफी मैटर करता है कि आपका स्टॉक जो है कितने समय में ऊपर मूव करता है या नीचे मूव करता है। कॉल बाय की है तो ऊपर मूव करना चाहिए, पुट बाय के हैं नीचे मूव करना चाहिए, लेकिन कितने टाइम में वो मूव करता है। तो देखिए यहाँ एग्जांपल से, जैसे ये 20 मई का ये हमारा मतलब जो भी यहाँ प्राइस दिखेगा कॉल और पुट का वो 20 मई का है। 20 मई तक में जो भी इन द मनी होगा उसमें प्रीमियम बचेगा, जो भी एट द मनी होगा, आउट ऑफ द मनी होगा, उसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये 20 मई का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं nseindia.com पे है, तो ये 20 मई का सारा प्रीमियम है। तो 20 मई में अगर यहाँ पर कोई बाय कर लेता है 15,000 के, देखिए 15,000 का इसका प्रीमियम है 21.75 रुपया, इसको बाय कर लेता है कोई, अगर 20 मई तक में अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया निफ्टी, ये निफ्टी का है, तो ये इसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा और जो भी बाय किए हैं उनका पूरा का पूरा जो रुपया है वो डूब गया, क्योंकि इसका प्रीमियम जीरो हो जाना है। तो 20 मई तक में ही अगर ये 15,022 निफ्टी पहुंच जाता है तब तो आपको इतना ही मिलेगा जितना आपने बाय किया है। 15,022 से ऊपर चलता है अगर ये 20 मई से पहले निफ्टी, तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो यही हमारा कॉल और पुट। वहीं देखिए पुट कोई बाय कर लेता है यहाँ पर चाइसी को बाय कर लेता है 14,700 को 125 में, तो अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है 20 मई तक में तो उसे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसको लॉस हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे अभी ये 700 के ऊपर निफ्टी चला जाता है, 701 भी रहता है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रीमियम होगा वो जीरो हो जाएगा 125 का 125। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कॉल और पुट को सेल करने के मतलब जब कॉल और पुट सेल कब करते हैं उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अभी ये बाइंग था, तो बाइंग में जो आपका समय होता है वो एक दुश्मन होता है, इसको आप बहुत सारे डेल्टा, गामा, थीटा, बेगा के रूप में जानिएगा। तो वो सीधा समझिए, टाइम जितना कम लेगा आपका निफ्टी ऊपर जाने में उतना ज़्यादा आपको कॉल में प्रॉफिट, और जितना कम टाइम लेगा नीचे आने में उतना ज़्यादा आपको पुट में प्रॉफिट। तो नीचे भी जाना चाहिए साथ साथ समय भी कम लगना चाहिए तो पुट में प्रॉफिट, ऊपर भी जाना चाहिए निफ्टी को साथ साथ समय कम लेना चाहिए तो कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट। तो सिंपल ये कॉल और पुट के बारे में था, जिसको हम आगे और भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, जैसे आप पूरी तरह से कॉल और पुट के बारे में सीख सकेंगे, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो टाइम वैल्यू होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, सबको डिस्कस करेंगे कि इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तक देखिए हमारा NSE India की वेबसाइट है, तो कॉल और पुट जो होता है वो
उसका कोई ना कोई अंडरलाइंग एसर्ट होता है, मतलब कोई स्टॉक हो, इंडेक्स हो, तो उसका जो हमारा कॉल और पुट होता है, कॉल पुट को हम ट्रेड करते हैं, इसको हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों काफ़ी रिस्की है, तो इसको ट्रेड करने से पहले आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को अवश्य समझ लें। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा अंडरलाइंग है यहाँ पर जिसको डिस्कस करेंगे वो है निफ्टी। तो निफ्टी अभी करेंट देखिए यहाँ पर जो है, करेंट जो निफ्टी है वो हमारा 700 से 750 के बीच है, या यहाँ पर आप ऊपर देख भी सकते हैं कि अभी निफ्टी का लेवल क्या है। तो ऊपर यहाँ पर आपको दिखाएगा 677 है अंडरलाइंग वैल्यू, तो 677 है। तो चलिए 677 है, तो ये हमारा हो गया 677, तो एट द मनी हो गया आपका 14,700। देखिए अब कॉल और पुट को बाय करते हैं तो उसमें तीन तरह का होता है। एक एट द मनी होता है, एट द मनी कहते हैं जिस, ये जो हमारा अंडरलाइंग है अभी 677 है, तो 677 है तो यहाँ पर जो जिसके नज़दीक है उसको हम मानेंगे, तो 700 को हम एट द मनी मानेंगे, तो जो 700 है क्योंकि इसके ज़्यादा नज़दीक है। वहीं 650 तो ये हमारा इसके नीचे का जस्ट नीचे का हो गया, ये जस्ट ऊपर का हो गया जो हमारा अंडरलाइन का वैल्यू है, तो इसको आप एट द मनी मान सकते हैं। तो एट द मनी आप 700 को मान लीजिए या 650 को मान लीजिए। जैसे हम 700 को एट द मनी मानते हैं, तो जैसे ही एट द मनी माने तो इसके जो नीचे का है, इसके नीचे का जो कॉल है वो हो गया आपका इन द मनी। देखिए कॉल तब बाय करते हैं जबकि अंडरलाइन मतलब जिसका कॉल और पुट स्टॉक का बाय कर रहे हैं तो वो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। अगर इंडेक्स का बाय कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, तो वो वहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर आप पुट बाय करते हैं तो यहाँ जो निफ्टी है 677, यहाँ से नीचे जाना चाहिए निफ्टी, तब आप इसका पुट बाय करेंगे। तो पुट इट साइड है, कॉल इस साइड है। तो पुट को बाय करते हैं जब अंडरलाइन इंडेक्स हो या स्टॉक हो वो नीचे जाना चाहिए वहाँ से। अब देखिए जैसे यहाँ से हम पुट को बाय किए तो यहाँ से अंडरलाइन नीचे गया तो हमें जो है इसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें आप कौन सा कॉल और पुट बाय करेंगे इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो इसमें कॉल और पुट में तीन होते हैं, जैसा कि पहला अभी जो हमारा एट द मनी है, मतलब जहाँ पे हमारा अंडरलाइन है मतलब इंडेक्स है निफ्टी है वो है 677, तो इसके जस्ट नज़दीक वाला, तो 14,700 ये हमारा हो गया एट द मनी। अब इसके जो इन द मनी होगा ये आपको कलर किया हुआ दिखाया हुआ है, तो जो पुट में होता है, पुट में हमारा ऊपर के साइड वाला इन द मनी होता है और जो नीचे वाला होता है वो आउट ऑफ द मनी होता है। और जो जस्ट जहाँ पे हमारा अंडरलाइन या स्टॉक्स या इंडेक्स जहाँ पे है वो हमारा हो गया एट द मनी। तो यहाँ पर 700 एट द मनी है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला पुट साइड ये हो गया इन द मनी और इसके नीचे 700 के नीचे ये हो गया आउट ऑफ द मनी। अब देखिए यहाँ पर जितना आप इन द मनी को बाय करेंगे, अगर यहाँ से लगता है निफ्टी नीचे जाएगा तो आप जितना इन द मनी को बाय करेंगे तो जैसे जैसे वो हमारा आपका नीचे जाएगा वैसे वैसे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी बाय कर लेते हैं तो ये अगर निफ्टी बहुत तेज़ी के साथ नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ये यहाँ से स्लो मोमेंटम करता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा नीचे जाने के बावजूद। इसलिए जो हमारा कॉल और पुट बाय है ये काफ़ी डेंजरस होता है, काफ़ी रिस्की होता है। तो इसलिए कॉल और पुट में अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, खास करके जब आप कॉल और पुट बाय करते हैं। कॉल और पुट के सेल की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, तो कॉल और पुट को कब बाय करेंगे, कॉल को तब बाय करेंगे जब निफ्टी लगता है हमारा ये 677 से ऊपर जाएगा, ऊपर जितना जाएगा अगर आप इसका कॉल बाय करते हैं आपको प्रॉफिट होगा, जितना तेज़ी से ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और कौन सा कॉल बाय करते हैं, जितना आप इन द मनी को मतलब जितना ये अंदर वाले कॉल को बाय करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन याद रहे जितना आप इन द मनी को बाय करते हैं अगर आपके उल्टा गया तो आपको उतना ज़्यादा लॉस भी होगा। तो दोनों चीज़ें हैं कि अगर आपके दिशा में जाता है जितना इन द मनी को आप बाय करते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वहीं जितना आप आउट ऑफ द मनी को बाय करते हैं उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी आपने बाय किया, मान लीजिए ये आपने यहाँ पर 15,000 के आउट ऑफ द मनी को बाय कर लिया, 21 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन यहाँ से 700 से ऊपर तो गया लेकिन बहुत धीरे गया, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा।
अब प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, तो उसमें आता है एक टाइम वैल्यू, जिसको हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो जैसे जैसे मतलब ज़्यादा टाइम लेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, टाइम के साथ साथ जो कॉल और पुट है उसका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होता है, तो जिसको हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। तो अभी सिंपल आप जानिए, अगर कॉल और पुट बाय करते हैं तो जहाँ पे आपने बाय किया वहाँ से निफ्टी ऊपर जाना चाहिए अगर कॉल को बाय किया, अगर आपने पुट को बाय किया तो वहाँ से निफ्टी नीचे गिरना चाहिए, वो भी तेज मोमेंटम के साथ। जितना तेजी से गिरेगा उतना प्रॉफिट होगा। तो जब भी कॉल और पुट को बाय करें तो आप शॉर्ट टर्म के लिए किए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कॉल और पुट को बाय करते हैं तो आपको एक मार्केट में बड़ा मोमेंटम आएगा, बड़ी तेजी आएगा तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा। तो कॉल और पुट को कब बाय करेंगे, जब मार्केट में तेज मोमेंटम होना होगा, जब तेज मोमेंटम होगा तब हमें कॉल और पुट में प्रॉफिट होगा। तो कॉल में प्रॉफिट तब होगा जिसको हम बाय करते हैं, अगर निफ्टी के कॉल को बाय करते हैं तो निफ्टी यहां से ऊपर जाना चाहिए जहां पे हमने कॉल को बाय किया, और पुट में तब प्रॉफिट होगा जब वहां से निफ्टी हमारा नीचे आएगा। तो कॉल को जब भी बाय करें तो सबसे बेहतरीन होता है कि आप एट द मनी को बाय करें, जैसे 700 है तो आप से अभी 677 है निफ्टी, तो आप 700 को बाय कर सकते हैं, 750 कर सकते हैं, 650 को कर सकते हैं, ज़्यादा इन द मनी भी नहीं जाना है, आप एट द मनी को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी को चले तो उसको भी बाय कर सकते हैं अगर लगता है यहाँ से आपको निफ्टी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। वहीं अगर आप पुट को बाय करते हैं तो यहाँ से जो है मार्केट गिरना चाहिए, मतलब निफ्टी तेजी के साथ नीचे गिरना चाहिए, तो आप यहाँ पर 700 को बाय कर सकते हैं, सबसे बेस्ट होगा एट द मनी। दूसरा आप 750 को बाय कर सकते हैं, तीसरा 650 को बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चलेगा अगर फास्ट मोमेंटम होता है, अगर निफ्टी इसको क्रॉस कर जाता है तो ये फिर आपका इन द मनी बन जाएगा, जिससे आपको काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट होगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि कॉल और पुट ट्रेडर कब बाय करते हैं, एक सिंपल। धीरे धीरे आपको ये भी बताएंगे कि इसमें बहुत सारे थीटा गामा डेल्टा बेगा होते हैं, अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उसको जान सकते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें खास मैटर नहीं करता है, जब आप उसको हेजिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें वर्क करता है। अगर आप सिंपल जो है डायरेक्शन को ट्रेड करते हैं तो डेल्टा गामा बेगा ये सब खास मायने नहीं रहता है, लेकिन आपको जानना अच्छा रहेगा अगर आप उसको सीखते हैं। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हर चीज़ को। तो यहाँ पर हमने आपको कॉल और पुट कब बाय करते हैं तो इसको डिस्कस किया, अगले वीडियो हम कॉल और पुट को कब सेल करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कब कॉल बाय करना है, कब पुट बाय करना है, और कौन सा कॉल और पुट बाय करना चाहिए, ये भी आपने सीख लिया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।